इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के पड़ोस में। ये हुआ कि इसी इलेक्शन, इसी पूरे के पूरे डिजास्टर में एक होता है बोहरान और एक होता है फिर उसको बोहरान को बर्बादी तक लेके जाना। ठीक है, बोहरान के दौरान वो मोदी सरकार उसको बर्बादी तक ले गई। क्यों? इसलिए कि इलेक्शन किसी सूरत उन्होंने जीतना था, और जीतना था मगरबी बंगाल का इलेक्शन। ठीक है, और मगरबी बंगाल जहां पे ममता बनर्जी की हुकूमत है। अच्छा, अब जनाब चार रियासतों के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए, तो जहां पर जो था वो वहीं रहा, जो पहले जीता हुआ था वो वहीं रहा। और ये हैरान कन बात है कि मतलब मिसाल के तौर पर मगरबी बंगाल का जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, तो मगरबी बंगाल में पूरी कोशिश की बीजेपी ने, हंगामा, मोदी पहुंच गए, वो अमित शाह, ये वो, हर हाल में मगरबी बंगाल को छीनना है, तो ममता बनर्जी दोबारा जीत गई। और ममता बनर्जी जो है ये कांग्रेस में थी पहले। ठीक है ना, कांग्रेस 88 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होके फिर उसके बाद जो है वो अपनी टीएमसी के नाम से तिरंगा मोल, मतलब फूल जो है इसका मतलब है ऑल इंडिया तिरंगा मूल कांग्रेस इन्होंने मनाया, टीएमसी। अच्छा, और दीदी इनको कहते हैं वहां पे। तो अब मसला यह है कि इन्होंने वहां पर फिर इलेक्शन जीत लिया, और इलेक्शन जीता, और ये इससे पहले नरसिम्हा राव जो वजीर आजम थे उनके दौर में वजीर रही हैं, उससे पहले, उसके बाद ये मरकज में भी वजीर रही हैं। और जनाब इन्होंने 2011 में जब ये इलेक्ट हुई थी, 11 से वहां पर हैं, 2011 से, यानी पिछले 10 साल से हैं, तो उससे पहले 34 साल तक मगरबी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के इन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी तवील तरीन अगर दुनिया में किसी जमहूरियत के अंदर काम किया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो मगरबी बंगाल में तोड़ के ये वहां जीत गई थी। अच्छा। तो अब ये जो है ये वहां पर फाल है और ये जीत गई। अच्छा, इसी तरह से तमिलनाडु, तमिलनाडु एक और रियासत है, मैं छोटी सी बात करके आ जाऊं, तमिलनाडु जो है वो एक और रियासत है, और तमिलनाडु जाहिर है चेन्नई वहां का सबसे बड़ा शहर भी है और उनका दारुल हुकूमत भी है। अच्छा, ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल क्योंकि जनूब में, बिल्कुल जनूब, बिल्कुल कोने में है, तो यहां पर बंदरगाहें भी बहुत ज्यादा हैं, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत है तमिलनाडु की, और ये अपने पानी शेयर करता है श्रीलंका के साथ। यहां पर तीन बड़ी बंदरगाहें हैं, बाकी छोटी बंदरगाहें हैं तमिलनाडु के अंदर। और तमिल जबान जो है वो दुनिया की पुरानी जबानों में, कदीम तरीन जबानों में से एक है, और इनकी इंडिया में सबसे ज्यादा फिल्में जो है वो तमिलनाडु में बनती हैं। कॉलीवुड कहते हैं इसको, कॉलीवुड, जैसे बॉलीवुड उन्होंने, यहाँ कॉलीवुड कहा जाता है यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छा, वहां पर भी ये हुआ है कि AIADMR के जो स्टालिन, सॉरी डीएमके, ठीक है ना, दूसरा तो इत्तेहाद जो था वो ये कांग्रेस का था, इत्तेहाद था, तो एमके स्टालिन वहां पे जीत गए, वो ही दोबारा जीत गए जो पहले मौजूद थे। और इसी तरह से केरला, केरला उनकी एक जबरदस्त रियासत है, और ये भी वाहिद रियासत है जहां पर बाएं बाजू की हुकूमत है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये वाहिद रियासत है जहां बाएं बाजू की, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यहां पर मौजूद है, और 75 साल इनके जो वजीर आला हैं पिनिया रानाई विजयन, अच्छा अगर मैं इस प्रोनाउंस गलत करूं तो माजरत, तो ये वहां पर जो है वो फिर ये आ गए हैं जीत के। अब मसला ये है कि ये तमाम, अच्छा ये जो जीते हैं ना ये तमाम, आप जैसे ये स्टालिन वाली बात होती है, एमआर स्टालिन जीते हैं वहां पे, तो ये जमातें वो हैं जो, यानी जो मैं बात करूं तमिलनाडु, तमिलनाडु में वो पार्टी जीती है जो कि ब्राह्मणों के, ब्राह्मणिज्म जो है ना, यानी जात पात के खिलाफ ये पार्टियां बनी हुई। एग्जैक्टली, यानी कांग्रेस भी नहीं है, ये बीजेपी भी नहीं है, ये कांग्रेस भी नहीं है, ये बीजेपी भी नहीं है, ये कांग्रेस, यानी तीन रियासतों के ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं सवाए एक रियासत के आसाम, जहां पहले भी बीजेपी थी, अब बीजेपी जीत गई। ठीक है ना, लेकिन यानी चार रियासतें बड़ी हैं जिनका, और यूनियन टेरिटरी उसके बाद मैं नहीं कर रहा, लेकिन चार रियासतों के इलेक्शन हुए, चार रियासतों में से वही जो पहले जीता हुआ था दोबारा जीत गया, ममता बनर्जी ने एंट्री नहीं होनी थी। अब ना कांग्रेस है ना यहाँ पे बीजेपी है, आसाम में बीजेपी है, और आसाम के अपने रौले लप्पे हैं, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नीचे वो मिजोरम, नागालैंड, वो सारे के सारे इश्यूज, तो वो वहां पर बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वहां के इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट हैं। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में वहां पर इतनी ज्यादा अमवात हुई, मैंने कहा ना एक बोहरान से बर्बादी का सफर जो है ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और इंडिया टुडे खबर आज देखें, अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं वहां पर
कब्रिस्तानों में और उन जगह पे जो शमशान घाट है वहां पे, क्योंकि वहां से इतलात लोगों ने देने शुरू की हमसे 16,000 20,000 रुपया या 50,000 या पता नहीं खुदा जाने कितना लोग रिश्वत ले रहे हैं दफनाने के या आखिरी रसूमात के। तो 16,000 किसी ने कंप्लेन की तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू हो गए हैं कि अब इसके ऊपर प्राइस चेक किस पे कंट्रोल के लिए कि यहां पे दफनाने के लिए जो है अल्लाह अपना रहम करे। अच्छा, और साथ ही जो इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेजेज अलार्म, अल जजीरा कह रहे हैं कि न्यू ग्रिम रिकॉर्ड, ठीक है ना, इतनी अमवात हो गई। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आज के जो आपको पता है इंडिया में आज रिजल्ट डे था, तो उस रिजल्ट डे का तो रिजल्ट आपने देख लिया होगा दोस्तों। यहाँ पर चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के रिजल्ट आए हैं, तो उसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है रिजल्ट। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इसका रिएक्शन आना ही था, क्योंकि आपको भी पता है कि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में जो मोदी को लेकर इनकी दिलचस्पी रहती है, इनका बहुत टाइम मोदी सरकार ये वो, खासकर इस एंकर को तो खासा प्यार है। इस एंकर को कुछ नहीं लेना देना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की ईयू वालों ने कैसे ले ली है और ईयू वाले क्या एक्शन लेने वाले हैं, कुछ इसको लेना देना नहीं है। इसको कुछ लेना देना नहीं कि पाकिस्तान में अभी तक केवल 5 से 10 लाख वैक्सीन ही आई हैं टोटल, और लगी ही इतनी हैं और 5-10 लाख और आने वाली हैं, मतलब टोटल 20 लाख वैक्सीन आने वाली हैं। इसको कुछ लेना देना नहीं, इसका सारा पूरा फोकस रहता है इंडिया में कितने लोग मर गए, इंडिया में कितना कोरोना फैल गया, इंडिया में कितने लोग को वैक्सीन लग गई, इंडिया का वैक्सीन वाला कहाँ भाग गया, इस तरीके की बातें इस एंकर की खास हैं। तो इसको अपने जो लोकल मुद्दे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं। तो गाइज़ ये वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान का ये एंकर बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब इसने बता दिया कि मोदी को घुसने नहीं दिए गए बीजेपी में, मतलब सॉरी बंगाल में कोविड में इलेक्शन हुए, ये बात तो सही है कोविड में इलेक्शन हुए, कोविड का मतलब जो जब वेव आने लगी थी, जब इलेक्शन का शायद 2-3 चरण आखिरी के बचे थे उस टाइम पर इलेक्शन हुआ। तो इसका जो आपने रिएक्शन देखा डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा ये इस बेवकूफ़ का रिएक्शन देखकर। और बीजेपी को लास्ट टाइम 3 सीट से, अब इस बार मुझे पता नहीं है सीट कितनी है, शायद 80 के करीब जो भी जितनी भी सीट है उतनी मिली है, तो इसको वो बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये तमिलनाडु का या तृणमूल कांग्रेस का नाम भी इससे लेना नहीं आता, लेकिन ये ब्राह्मणों की पार्टी है ये वो पता नहीं, मतलब वही आपने देखा होगा लेफ्ट मीडिया जो लिखता है इंडिया में वो सब बस थोड़ा बहुत इंग्लिश में इसने पढ़ लिया होगा और वही उगल दिया, कुछ ग्राउंड का कुछ पता नहीं है। हालांकि इसको खुद के देश की अभी कोई भी चिंता नहीं है, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का कोई प्लान नहीं है, पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी 15,000 पर डे की है, इंडिया में लगभग 20 लाख पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी है, एवरेज 17 लाख। तो अब समझ सकते हो दोस्तों इसको इंडिया के कोरोना की कितनी चिंता है। इंडिया में डेफिनेटली आपको भी पता है हालात बहुत ख़राब है, लाशें बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मतलब ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।